तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है आज का वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, राइट। तो ये चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, राइट। तो इस चैप्टर में हम टोटल पांच चीजें पढ़ने वाले हैं, राइट। ये अगेन ये जो पहला पार्ट टॉपिक है सिर्फ इंट्रोडक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप एंड लेकर, इसी चैप्टर का हिस्सा है लेकिन उसे हम अलग से पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो आज का जो हमारा सिर्फ टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप की, जिसमें हम पांच चीजें पढ़ने वाली है, राइट। पहला हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप, राइट, पार्टनरशिप होती क्या है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप क्यों करते हैं, व्हाई पार्टनरशिप इज फॉर्म, पार्टनरशिप क्यों फॉर्म की जाती है। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप कैसे फॉर्म की जाती है, पार्टनरशिप होता क्या वो समझ में आ गया, पार्टनरशिप क्यों करते हैं वो समझ में आ गया, तीसरा पार्टनरशिप कैसे करते हैं, हाउ टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। तो ये हम तीसरा पढ़ने वाले हैं, हाउ टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। देन चौथा पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड फीचर्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं अंडर दिस चैप्टर, राइट। एंड पांचवी चीज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनर्स कैपिटल, पांचवी चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनर्स कैपिटल की, जो पार्टनर्स होता है, राइट, ये अगेन पार्टनरशिप के बारे में है। तो अकाउंटिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, उसकी कुछ मेथड्स होती है पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंटिंग करने की, तो वो सारी मेथड हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकंड लेक्चर, राइट। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने तीन चीजें पढ़ी पार्टनरशिप के बारे में, व्हाट इज पार्टनरशिप ये हमने देखा, फिर पार्टनरशिप क्यों करते हैं ये हमने देखा, पार्टनरशिप कैसे करते हैं ये हमने पहले वाले लेक्चर में देखा। आज हम दूसरा लेक्चर करने वाले हैं जिसमें हम चौथी चीज पढ़ने वाले हैं, विच इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग पार्टनरशिप। तो इस लेक्चर में आज हम क्या क्या कवर करने वाले, इस लेक्चर में हम दो चीजें और कवर करने वाले, टोटल हमें पांच चीजें कवर करनी थी, राइट। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज पार्टनरशिप, Why to do partnership, how to do partnership, इन तीन questions का हमें answer first lecture में मिल गया। चौथा question था हमारा what are the legal provisions and features of partnership, चौथा question क्या था हमारा legal provisions and features of partnership। तो ये आज के lecture में हम पढ़ने वाले हैं the legal provisions and features of partnership, right? तो legal provisions and features में से हम features पहले पढ़ेंगे, फिर next part में हम legal provisions पढ़ेंगे, right? तो let's start with फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप की क्या क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स यानी कि खूबियां खासियत क्या होती है, राइट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो जो पहला फीचर होता है पार्टनरशिप का, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट, फर्स्ट फीचर क्या है पार्टनरशिप का, एग्रीमेंट, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, राइट। तो हर एक पार्टनरशिप इज अ आउटकम ऑफ अ एग्रीमेंट, हर एक पार्टनरशिप क्या होता है, हर एक पार्टनरशिप इज आउटकम ऑफ एग्रीमेंट, की दो पार्टनर्स होंगे, राइट, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि दो पार्टनर्स होंगे तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुई हो जाएगी, राइट। और ये एग्रीमेंट कैसी होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं, ये एग्रीमेंट आप ओरल भी कर सकते हो, ये एग्रीमेंट आप रिटन भी कर सकते हो, तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल, एग्रीमेंट कैन बी रिटन ऑल्सो, राइट। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो उसको आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं, याद रखना है, राइट। बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कैसी होनी चाहिए, रिटन होनी चाहिए। एंड अगर एग्रीमेंट रिटन है तो उस रिटन एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, अगर एग्रीमेंट रिटन है तो हम उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड, राइट। फिर इस एग्रीमेंट में क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो इस एग्रीमेंट में कंटेंट होते हैं नाम ऑफ पार्टनर्स, राइट, उनका एज, उनका क्वालिफिकेशन, उनके एड्रेसेस, उनके इंपॉर्टेंट कार्ड डिटेल्स लाइक आधार नंबर, उनका पैन नंबर, फिर कौन कितना कैपिटल देगा, कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटीज है, राइट, फिर कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, ये सारी चीजें हमारी एग्रीमेंट के अंदर कवर हो जाएगी, राइट। तो जो याद रखने वाली पार्ट है कि एग्रीमेंट कैन बी रिटन और कैन बी इन ओरल फॉर्म, देयर इज नो वे कंपल्शन कि एग्रीमेंट रिटन या ओरल होने चाहिए, बट इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट रिटन है तो उस रिटन एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो ये हमारा पहला फीचर था ऑफ पार्टनरशिप, कि फर्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। तो जो फर्स्ट फीचर है दैट इज एग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, राइट। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, कि एज वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, तो द आंसर इज दो, मतलब देयर हैज टू बी अ मिनिमम टू नंबर ऑफ पार्टनर्स। एक अकेला आदमी खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता है,
है कि नहीं। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो पर्सन होनी जरूरी है, दो इंडिविजुअल्स की जरूरत है। तो द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज टू, राइट। तो दो पार्टनर्स के बीच में हमेशा पार्टनरशिप होगी, कम से कम दो, राइट। अब कम से कम दो तो ये पता चल गया, बट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? क्या तीन बन सकते हैं? यस, तीन लोग पार्टनर बन सकते हैं, चार लोग बन सकते हैं, पांच लोग बन सकते हैं, दस लोग भी बन सकते हैं। बट क्या इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट है, या जितने चाहे उतने आप पार्टनर्स ले सकते हो? 100, 200, 300? द आंसर इज नो। देर इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, देर इज अ लिमिट टू अ पार्टनर्स। तो द मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप कैन बी 50, 50। कितने होने चाहिए? 50 पार्टनर्स होने चाहिए। देर कैन नॉट बी 51 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप, देर हैज टू बी मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। आप 50 पार्टनर्स से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप नहीं बना सकते हो। कम से कम दो चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। दो पार्टनर्स से कम पार्टनर्स में पार्टनरशिप नहीं हो सकती, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। दो पार्टनर तो होनी चाहिए, कम से कम दो पार्टीज तो होनी चाहिए पार्टनरशिप के लिए। तो दो इज द मिनिमम नंबर एंड 50 इज द मैक्सिमम नंबर। अब ये मैक्सिमम नंबर किसने डिसाइड किया, मैंने या आपने डिसाइड किया? नो, इट इज डिसाइडेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड नॉट एक्सीड 50 इन अ पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया में नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट एक्सीड 50, राइट। सो गेटिंग द पॉइंट कि 50 से ज्यादा पार्टनर्स आपके बिजनेस में नहीं लेके आ सकते हो। कम से कम दो पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम यू कैन बी देयर, मैक्सिमम कैन बी 50 पार्टनर्स, राइट। तो यहाँ पर हमारे दो फीचर्स कवर हुए। पहला फीचर था एग्रीमेंट होनी चाहिए पार्टनर्स के बीच में, दूसरा हमने देखा नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम दो पार्टनर, मैक्सिमम 50 पार्टनर। अब तीसरा फीचर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तीसरा फीचर है पार्टनरशिप का, दैट इज लॉफुल बिजनेस।